देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस लिविंग वर्ल्ड की टेबल में मुख्य रूप से चार चीजें दी गई हैं, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है कि मैन एंड हाउसफ्लाई जो हैं वो क्या है, दोनों एनिमल्स में आते हैं, और मैंगो एंड वीट जो हैं वो प्लांट्स में आते हैं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात कर लेंगे, एनिमल्स की बात कर लेंगे, फिर हम किसकी, प्लांट्स की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे देखो इनके बायोलॉजिकल नेम की। मैन का इंसानों का हमें पता है बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है ना, और इसका मस्का डोमेस्टिका। इसका कैसे याद रखना है, देखो मस्का से याद रख लेना, M4 क्या होती है, मक्खी होती है, और डोमेस्टिका, डोमेस्टिक मतलब हाउस यानी घरों में, डोमेस्टिक घरों में पाई जाने वाली मक्खी। तो ये तो इनका हो गया नाम हो गया। अब हमें पता है हम नाम जब लिखते हैं तो उसमें ये जीनस हो जाएगा और ये स्पीशीज हो जाएगी, ये जीनस हो जाएगा, ये स्पीशी हो जाएगी। तो यहां पे जीनस अपने से पूछ लिया जाए तो जीनस तो ऑटोमेटिकली बन गया, इसका होमो हो गया, इसका मस्का हो गया, तो जीनस वाला तो अपना हो गया। फैमिली की बात करें तो मैन और हाउसफ्लाई के केस में जो जीनस है उसी से फैमिली बना दो, ये होमो है तो होमिनिडी हो गया, मस्का है तो ये मसीडी हो गया। ठीक है, तो ये फैमिली इसी से बन जाएगी। अब बात करते हैं, देखो हमने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा है, एनिमल किंगडम चैप्टर के अनुसार अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैन जो है वो कौन से फाइलम में आएगा, तो जाहिर सी बात है मैन किस में आएगा, देखो मैन किस में आएगा, मैमल्स में आएगा, है ना। और कोर्डेटा में क्या क्या होता था याद करो, अपने जो रेप्टाइल्स हैं वो भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और क्या है, मैमल्स भी हैं। तो मैमल्स में ही मैन आएगा, तो क्लास मैमल्स हो जाएगी और फाइलम कोर्डेटा हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। और ये मक्खी मच्छर जितने भी कीड़े मकोड़े ये किस में आएंगे, अपने अर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, और अर्थ्रोपोडा के अंदर भी क्लास पूछ ली जाए तो हमें पता है मक्खी किस में आएगी, इंसेक्टा में आएगी। तो क्लास भी हो गया, फाइलम भी हो गया, ये सिंपल सा है। अब बात करते हैं बचा कौन सा, ऑर्डर बच गया। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक आपको थोड़ी सी बता देता हूं। देखो यहां पे आ रहा है माता, तो माता और पिता किस में पाए जाते हैं, जानवरों में तो बोलते नहीं है, हम ही बोलते हैं ना माता पिता, तो ये मैन में पाए जाएंगे, माता से याद आ जाएगा ऑर्डर प्राइमेटा, है ना। और हाउसफ्लाई का डिप्टेरा या तो याद रख लेना या सिंपल सा आपको बता देता हूं, यहां पे आ रहा है डी, आ रहा है डी, आ रहा है डी मतलब दो पंख, डी मतलब दो पंख, तो यहां पे दो पंख किसके हो सकते हैं, हाउसफ्लाई के ही हो सकते हैं। तो ये अपना एनिमल्स वाला क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्लांट्स के बारे में। देखो सबसे पहले हमें इनको लोकेट करना पड़ेगा। देखो प्लांट्स जो होते हैं वो या तो एल्गी होंगे, है ना, या ब्रायोफाइट होंगे, या टेरिडोफाइट होंगे, या जिम्नोस्पर्म होंगे, या एंजियोस्पर्म होंगे। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये दोनों क्या है। तो चाहे मैंगो की बात करो या वीट की बात करो, ये किस में आते हैं, अपने एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो यहां पर डिवीजन लिखी भी गई है एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में हमें बताना है कि कौन सा डाइकोट है, कौन सा मोनोकोट है। तो ये तो आप सिंपली देख के ही बता दो कि वीट जो होता है ना उसकी देखो स्टेम देखो कैसी होती है, वीट हर्बेशियस सी होती है, हरी हरी उसकी स्टेम होती है, तो ये मोनोकोट में चला जाएगा। और मैंगो थोड़ा है ना उसकी स्टेम लक्कड़ जैसी, और है ना थोड़ा मोटा स्टेम होता है, हर्बेशियस नहीं होता, तो मोस्टली ये डाइकोट में चला जाएगा। इसको बताने में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो क्लास हो गया, फाइलम हो गया, दो अपने बॉक्स डन हो चुके हैं। अब इनके नाम की बात करते हैं, सबको पता है बार बार लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं कि मैंगो का नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, है ना, जिसमें ये हो जाएगा जीनस हो जाएगा, तो यहां से जीनस बन गया मैंगीफेरा। वीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम क्या हो जाएगा जीनस, और एस्टिवम क्या है स्पीशीज, तो ये जीनस बन गया, इसका ट्रिटिकम बन गया। तो ये दोनों बॉक्स भी अपने इसके डन हो गए। अब यहां पे बात करते हैं, देखो वीट क्या होता है, गेहूं होता है, और गेहूं से हम अपने घरों में आटा बनाते हैं, फिर उसके क्या बनाते हैं, P4 पराठे बनाते हैं, P4 पराठे बनाते हैं, तो ये पोएसी पोएल्स हो जाएगा। बस इतना याद रखना ऑर्डर की जब हम बात रख रहे हैं तो लास्ट में एल्स आ रहा है, एल्स आ रहा है ना, ALESE आ रहा है दोनों में, तो ऑर्डर एल्स वाला है। ठीक है, तो ये हो गया पोएसी पोएल्स, है ना, वीट के क्या बनाते हैं घरों में, P4 पराठे बनाते हैं, P4 पोएसी, P4 पोएल्स हो गया। और इसकी बात करें, देखो मैंगो क्या होता है, आम होता है। अब आप बाहर से मार्केट से फ्रूट लेने जा रहे हो तो आम ले आए हो, तो अनार भी ले आना, अनार से याद आ जाएगा ये एनाकार्डियसी आ जाएगा। अनार के साथ क्या ले आना, थोड़ी सेब भी ले आना, सेब यानी सेप, सेप सेप याद आ जाएगा, यानी सेपिंडल्स, है ना। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।